मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन न्यूज 18 के हाथ लगे सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सुशांत की डायरी के इन पन्नों में लिखी बातों को देखें तो उससे ऐसा लगता है नहीं कि सुशांत कभी खुदकुशी भी कर सकते थे। डायरी के पन्नों को पलटने पर ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी डिप्रेशन के शिकार थे। डायरी के इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार से लेकर अपने आने वाली जिंदगी के प्लान के बारे में जिक्र किया है। सुशांत ने अपने लिए इस साल यानी 2020 में जो लक्ष्य तय किए थे उसका कई पन्नों पर जिक्र है। इन पन्नों में उन्होंने जो कुछ लिखा था उसके मुताबिक सुशांत 2020 में हिंदी सिनेमा के साथ ही हॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट तलाशने का टारगेट पूरा करना चाहते थे। सुशांत प्रोडक्शन में कंटेंट को प्राथमिकता देना तो चाहते ही थे, इसके साथ ही वो नामी प्रोडक्शंस हाउस के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत की डायरी कहती है कि उन्हें हिंदी फिल्मों के मसाला वाले हिट फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सुशांत फिल्म जगत के मशहूर लेखकों के साथ मिलकर भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। सुशांत फिल्मों के अलावा स्टार्टअप और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की भी योजना बना रहे थे। सुशांत तकनीक का इस्तेमाल कर एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना चाहते थे।